नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल से सक्सेस यूपीएससी में। देखिए, करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तीन टॉपिक है आपके लिए, जिसमें से निश्चित है कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। पहला, जिसमें चूंकि इस बार एसीएफ और जो एसीएफ है यानी जो वन का जो एग्ज़ाम है वो एक साथ कर दिया गया, तो इसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि वन से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाए आपसे। तो पर्यावरण वाला चैप्टर जो टॉपिक्स हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और वन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये तीन टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है ISFR 2017 का, यानी कि जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है क्या स्टेटस है उसकी, और इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका, और बजट सेंट्रल और यूपी का। तो इन चार टॉपिक से बेसिकली बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आए। तो इस वीडियो में मैं आपको भारतीय वन सर्वेक्षण बताऊंगा, और अगले वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे, और फिर बजट सेंट्रल और यूपी का वो कंप्लीट आपको बता दूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो समझ लीजिए, जो ISFR जो होती है वो बेसिकली हर दो साल में जारी की जाती है, और इसको जारी करता है सर्वेक्षण विभाग वन का, जो देहरादून स्थित है वो जारी करता है। 2017 जो है वो 15वीं वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है, याद कीजिएगा। ये बेसिकली 12 फरवरी 2018 को रिपोर्ट जारी हुई थी, रिपोर्ट 2017 की, और जारी हुई थी 12 फरवरी 2018 को, ठीक है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट आधारित कब से कब तक की है, ये अक्टूबर 2015 से लेकर फरवरी 2016 के उपग्रहों के आंकड़ों के आधार पर बनी हुई है, ठीक है। ISFR 2017 के अनुसार देश में कुल वन आवरण कितने हैं, तो 70.83 मिलियन हेक्टेयर जो है वन आवरण है टोटल, ठीक है। 70.83 मिलियन यानी कि लगभग 7,08,273 वर्ग किलोमीटर वन आवरण है टोटल, ठीक है। आगे देखते हैं कुल वनावरण देश में कितना है भौगोलिक क्षेत्र का, तो 21.54% जो है कुल भौगोलिक जो क्षेत्र है उसका लगभग 21.54% है कुल वन आवरण, याद रखिएगा। थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुल वन आवरण जो है 21.54% है, और कुल वृक्षावरण जो है वो आपका, कुल वृक्षावरण जो है वो 93,815 वर्ग किलोमीटर है, 93,815 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि कुल वन आवरण और वृक्षावरण अगर मिला दिया जाएगा तो लगभग 8,02,088 वर्ग किलोमीटर के लगभग, यानी 24.40% हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कुल वन आवरण की बात करेंगे तो वो 21.54% होगा, और कुल वन आवरण और वृक्षावरण की अगर हम बात करेंगे तो 24.40% होगा, ठीक है। देश के पहाड़ी जिलों का कुल जो वन आवरण है वो लगभग 283,462 वर्ग किलोमीटर है। देश में 16 राज्य या संघीय क्षेत्र में पहाड़ी जिलों की कुल संख्या 127 है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ISFR 2017 के अनुसार जनजातीय जिलों का कुल वन आवरण कितना है, जनजातीय जो ज़िले हैं उनका कुल, जनजातीय जिले मतलब जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर वन आवरण कितना है, वहाँ पर 37.43% है, 37.43% है। और ISFR 2017 के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल वन आवरण जो है वो 65.34% है, 65.34%, ठीक है। भारत में मैंग्रोव आवरण कितने हैं, 0.15%, ठीक है। भारत में मैंग्रोव आवरण विश्व का संपूर्ण मैंग्रोव वनस्पति का लगभग 3.3% है, ठीक है। संपूर्ण विश्व में जितना है उसका 3.3% यहाँ पर है, और भारत में मैंग्रोव जो आच्छादित चार जो राज्य हैं या संघ राज्य हैं वो कौन कौन से, आपके बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश, बंगू ने अंडा आधा खाया, ऐसे कह सकते हैं आप। तो बंगू से आपका बंगाल हो जाएगा, तो बंग से आपका बंगाल हो जाएगा, गू से आपका गुजरात हो जाएगा, अंडा से अंडमान हो जाएगा, और आधा से आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो बंगू ने अंडा आधा खाया, ऐसे कह सकते हैं आप। तो बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश, ये हो जाएंगे आपके। विश्व में मैंग्रोव सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है, एशिया में है। विश्व में कुल मैंग्रोव आवरण है लगभग 1.5 लाख जो है वर्ग किलोमीटर। दक्षिण एशिया में कुल मैंग्रोव आवरण में भारत का योगदान 45.8% है। और अब बात करते हैं यूपी के ISFR के बारे में। देखिए, यूपी में क्या बताया कि उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र कितने हैं, भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.88%। उत्तर प्रदेश का कुल वन आवरण जो है भौगोलिक क्षेत्र का 6.09% है, भौगोलिक क्षेत्र का 6.09% यानी लगभग 14,679 जो है वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है,
3.09%, ठीक है। एक चीज देखिए, कुल जो वन आवरण है वो 6.09% है, जबकि कुल वृक्ष आवरण जो है वो 3.09% है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले तीन जिले कौन कौन से हैं? ट्रिक बताई थी मैंने, सोनी खीर मिला से आप देखिएगा कि सोनी से आपका सोनभद्र हो जाएगा, खीर से खीरी, और मिला से आपका मिर्ज़ापुर। सोनी खीर मिला से आपका सोनभद्र, खीरी और मिर्ज़ापुर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की न्यूनतम वन आवरण क्षेत्र वाले तीन जिले, संत रविदास नगर मऊ और संत कबीर नगर। संत दोनों के बीच याद रखिएगा, दोनों संत हैं और बीच में मऊ है, तो संत रविदास नगर, फिर संत कबीर नगर और फिर मऊ, ऐसे न्यूनतम वन आवरण जिले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले तीन जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले तो सोना चांदी पीली, याद रखिएगा सोना चांदी मतलब हो जाएगा सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। और फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले तीन जिले क्रमशः संत रविदास, मैनपुरी और देवरिया। यानी संत के मन में देव होते हैं, ठीक है। तो संत के मन में देव होते हैं तो मतलब संत से संत रविदास हो जाएगा, कि मन से मैनपुरी हो जाएगा और देव से देवरिया हो जाएगा। उन राज्यों तथा संघ के क्षेत्रों की संख्या जिन्हें भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक भाग बना छादित है, ऐसे 15 है राज्य संघ की राज्य। उन राज्य संघ क्षेत्रों की संख्या जिनके भौगोलिक क्षेत्र 70% से अधिक भूभाग बना छादित है, लगभग 8 ऐसे हैं, ठीक है। ISFR 2017 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल है 1.40%, याद रखिएगा परसेंटेज, याद रखिएगा 1.40%। देश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र कितने हैं? भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 23.34। देश में कुल अभिलिखित मतलब जिनका प्रूफ मिला हुआ है, जो लिखे हैं मतलब जो लिखे हुए हैं, अभिलिखित है 23.34%, ठीक है। सर्वाधिक जो है अभिलिखित वन क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ है? महाराष्ट्र में है। राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम अभिलिखित वन कहाँ पर है? गोवा में है, ठीक है। आगे देखते हैं ISFR 2015 जो अद्यतन की तुलना में ISFR 2017 में वनावरण की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आप याद रखिए आदमी, याद रखिएगा आज से आपका सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, सर्वाधिक कमी किस्मत दर्ज की गई, तो आदमी याद रखेंगे आज से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा। तो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में और जो है वृद्धि दर्ज की गई, और सर्वाधिक जो कमी दर्ज की गई है वो मिजोरम में दर्ज की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला पहला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो मध्य प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल राज्य जो या संघ राज्य है क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला संघीय राज्य कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाला संघीय राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। और सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? वन आवरण प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। तो इसमें दो तीन तरीके निकाला गया है, एक क्षेत्रफल में राज्य और संघ राज्य, और एक प्रतिशतता में राज्य और संघ राज्य, ठीक है। तो क्षेत्रफल में राज्य और संघ राज्य जो है आपका मध्य प्रदेश, और जो है आपका अंडमान निकोबार आ गया आपका, और प्रतिशतता में देखेंगे तो आपका मिजोरम राज्य है और संघ साची जो है वो लक्षद्वीप है, ठीक है। आप देखते हैं कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? वृक्षावरण की दृष्टि से महाराष्ट्र, और वृक्षावरण की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य सिक्किम है आपका, ठीक है। मासी याद रखना इसे, महाराष्ट्र और सिक्किम। मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगा में भारतीय नौसेना में शामिल INS कलवरी है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो गया था, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया इम्पोर्टेंट। अगर देखिए ये ISFR आपका ख़त्म हो गया है, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसके आगे मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण लेकर आ रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।